मेंस फॉर्मल सॉल्यूशन। मेंस स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता पजामा पठानी पैंट शर्ट फॉर्मल कोट टू एंड थ्री पीस शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर टू पीस थ्री पीस शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। मेंस स्टूडियो क्वालिटी पे यकीन करता है, इसलिए उनके सभी फैब्रिक इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जैसे रेमंड डीएनजे सियाराम डोनियर बिरला सेंचुरी जैसे ब्रांड्स। मेन स्टूडियो शमशाद नगर मुमरा ठाणे। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करिए दिए गए नंबरों पर। भगवान राम के मांसाहारी होने के वक्तव्य को लेकर विधायक जितेंद्र अवाड़ पर हुई दो जगह पर एफआईआर। देखिए कैसे कैसे किया जा रहा है विधायक अवाड़ का निषेध। शौचालय में मनसे ने लगाए पोस्टर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शिरडी स्थित एनसीपी कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक जितेंद्र अवाड़ द्वारा वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए भगवान राम को शिकार करने वाला और मांसाहार करने वाला बताया था, जिसके बाद बड़ा विवाद पूरे देश में खड़ा हो गया है। केवल महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे पुणे इन बड़े शहरों में ही नहीं, जम्मू कश्मीर तक विधायक जितेंद्र अवाड़ का निषेध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अन्य राजनीतिक दल और सभी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन विधायक जितेंद्र अवाड़ का विरोध कर रहे हैं। इनमें से कईयों ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए विधायक जितेंद्र अवाड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पुलिस से मांग भी की है। नवी मुंबई में मांग की, मुंबई में की गई, पुणे में की गई, राज्य के कई और जगहों पर की गई है, देश के अन्य कई राज्यों में की गई है। इनमें से मुंबई में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक एफआईआर धारा 295A के तहत विधायक जितेंद्र अवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई है। वहीं पुणे में भी एक एफआईआर उनके खिलाफ इसी मामले को लेकर दर्ज की गई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ये विधायक जितेंद्र अवाड़ के वक्तव्य के बाद उनको निशाना बना करके उनका निषेध व्यक्त किया जा रहा है। कहीं पर उनकी शव यात्रा उनका पुतला बनाकर निकाली जा रही है, तो कहीं शौचालय में उनकी तस्वीरें लगा करके उस तस्वीर पर पेशाब करने वाले को 10 रुपए भी देने का ऐलान किया गया है। और ये कल्याण में काम किया गया है मनसे द्वारा, शौचालय में पोस्टर लगाकर इस तरह का निषेध व्यक्त करने का। कुल मिलाकर के राम के मांसाहारी होने के और शिकारी होने के वक्तव्य के बाद विधायक जितेंद्र अवाड़ चौतरफा निशाने पर है और हर तरफ से उनकी आलोचना की जा रही है और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग के साथ साथ अलग अलग तरह से, जैसे शौचालय वाला ये निषेध और विरोध प्रदर्शन है, अलग अलग तरह से ऐसे विरोध प्रदर्शन और निषेध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 22 तारीख को पहले कई विवाद सामने नजर आ रहे हैं। ये रावण सेना है, माइक डाउन करो। और ये जो रावण सेना है जिसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, शरद पवार के लोग हैं, जिन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान करा है, सर पोस्टर चुक लो, लोगों ने राम का अपमान करा है, हिंदू धर्म के सम्मान को लेकर पहुंचाने का प्रयास करा है। यहाँ पर उपस्थित हुए वासी पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट के नेता जितेंद्र अवाड़ ने जो प्रभु रामचंद्र के बारे में ऐसा अनाप शनाप बकवास किए हैं, उसके विरोध में हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया है और उसके उनके विरोध में वासी चौक पे हम प्रदर्शन करने वाले हैं और उनको वासी में कभी हम दाखिल भी नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा निर्णय है। जय श्री राम। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में जितेंद्र अवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उन्होंने जो 3 जनवरी को वक्तव्य दिया था प्रभु श्री राम के संदर्भ में कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे
तो उनको अपने धर्म का और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे किसी भी शास्त्र में प्रभु श्री राम मांसाहारी थे ऐसा वर्णन कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे अनाप शनाप बयान न दे। जितेंद्र आवाड से नम्र निवेदन है। राष्ट्रवादी जी आमदार जितेंद्र आवाड जे त्यांनी हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत श्री प्रभु रामचंद्रांवर जे वक्तव्य केलेलं आहे त्याच्या निषेधार्थ आज मनसेच्या माध्यमातून कल्याणमधील शासकीय शौचालय आहेत तिथे त्यांचं पोस्टर लावून त्यांच्यावर जे मूत्रविसर्जन करतील त्यांना आम्ही 10 रुपयाचं बक्षीस असं सुनावलं आहे। आता विषय झाला तर आम्ही नेत्याचा विषय झाला तर कसं आहे, सन्माननीय राजसाहेबांची आम्हाला शिकवण आहे हिंदुत्ववादाची, त्यासाठी आम्ही झडत असतो। तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार हे स्वतः त्यांचे अध्यक्ष देखील नास्तिक आहेत असे आमचे सन्माननीय राजसाहेब बोललेले हे देखील खरं आहे। जे नेत्यांकडून शिकवण दिली जाते तेच आमदारांकडून रोवलं जातं हे दिसून येतं आहे। येणाऱ्या 22 जानेवारीला अयोध्येला जे राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्याविषयी राष्ट्रवादीला काही दंगली घडवायचे आहेत का महाराष्ट्रात हे देखील ह्यातून दिसून येतं आहे। त्यामुळे मनसे इथे शांत बसणार नाही। हिंदू जननायक राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानं आम्ही चालत असतो, यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही चालत असतो। ते